विधानसभा में 3 तारीख को शाम 5 बजे उपचुनाव का प्रचार प्रसार थम गया। 5 दिसंबर को नगर में विधानसभा में मतदान होना, मतदान की तैयारियों को लेकर आज नवीन मंडी में सभी पोलिंग पार्टियां जमा हुई, जहां से अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर रवाना हुई। नवीन मंडी में आज सभी पोलिंग पार्टियों के कर्मचारी इकट्ठा हुए और अपनी अपनी टेबल पर उन्होंने ईवीएम वीवीपैट मशीन की सामग्री ली। उसके बाद जो जिसका मतदान स्थल था वो उसके लिए रवाना हुए। देखिए, 454 हमारे टोटल इस बाई इलेक्शन में बूथ हैं जिसमें 454 पार्टियाँ रवाना होनी है। उसमें लगभग 350 के लगभग पार्टियाँ हमारी पूरी कंप्लीट है, जो रवाना होने की तैयारी भी कर रही हैं यहाँ से। बाकी भी जो डिकोडिंग सेंटर है उससे सभी ने ड्यूटी प्राप्त कर ली है। प्रोसेस में सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि लगभग 1.5 घंटे में सभी पार्टियाँ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। तो कितने बूथ बने हुए हैं? 454 टोटल हमारे बूथ हैं और 166 हमारे टोटल सेंटर्स हैं नगर विधानसभा में। तो कितने सेक्टरों में बांटा गया है रामपुर? रामपुर को 34 सेक्टर्स में बांटा गया है और उसी हिसाब से जो हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं, और ताकि सकुशल और बिना किसी बाधा के निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। सर, कल कितने बजे पोलिंग रहेगा? 7 बजे से लेके कल संध्या 6 बजे तक पूरी पोलिंग की प्रोसेस होगी, और उसके बाद में फिर रात्रि में ही हमारी पोलिंग पार्टीज वापस यहाँ पे लौटेंगी। स्ट्रांग रूम भी मंडी परिसर में जैसा परंपरागत रूप से बनता है।